हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। वी आर डूइंग आवर 11th पोएम अनदर वुमेन, रिटन बाय इम्तियाज़ जाकर। इस पोएम में हमने पढ़ा कि जो वुमेन है उनकी सिचुएशन कैसी है। जो पोइटेस्ट है उन्होंने पोएम अवेयर करने के लिखे, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए लिखे, ताकि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। पोइम में उन्हें पढ़ा, जो एक औरत है वो सब्जी लेने जाती है, फिर वो घर आती है, उसकी सास उसको गालियाँ देते हैं, उन सबको इग्नोर करते हुए अपना घर का काम करती रहती हैं। फिर उसकी सास है जो उसको ताने मारती है हर रोज़ की तरह, जो वो हर रोज़ सुनती थी गालियाँ और ताने, और कहती है कि तुमने इतने सारे पैसे वेस्ट क्यों कर दिए। और उसके उनके जो माता पिता, उस औरत के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी मतलब कि कोसते हुए कहते हैं, उनको भी गालियाँ देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी बेटी को दूसरों के घरों में अंधेरा करने के लिए भेज दिया है। इस स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। नॉर्मली जो पोइटिस्ट है वो अवेयर करना चाहती हैं किसी भी वुमेन को, इन सारी सिचुएशन को देखने का एक कारण ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर औरतें पढ़ी लिखी हैं ना, तो उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वे अपने पैरों पर खड़ी हैं तो भी ऐसा कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। शी हैज़ नो राइट टू स्पीक अगेन ऑन जस्टिस, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है वो उसके खिलाफ भी बोलने का उसके पास कोई हक नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो औरतें हैं अपने पैरों पर खड़ी हों, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के ऊपर डिपेंड होने की। और अगर वे एजुकेटेड हो जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं, मतलब कि अगर वो एजुकेटेड हैं तो कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करेंगे वो, मतलब कि अर्निंग सोर्स होगा उनके पास, तो उन्हें किसी से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोइटेस सिर्फ इतना बताना चाहती है, जो वुमेन एम्पावरमेंट शब्द है वो आप मान सकते हैं कि जो पोएम है वो उसी को शो कर रहा है। तो चलिए हम अपने स्टैंजा को शुरू करते हैं। हमें देखा लास्ट लाइन में जो पोइटेस्ट हैं वो बता रही हैं कि जो उसकी सास ने उसको ताना मारा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें औरों के घरों में अंधेरा करने के लिए भेज दिया है। तो उसके बाद क्या होता है, शी कॉज्ड एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव, वो कुकिंग कर रही थी स्टोव के पास बैठकर, उसके साथ में ताना मारा। तो क्रॉस्ड का मतलब होता है दुबक कर बैठ जाना, मतलब कि टेढ़ा होकर, मतलब नीचे की तरफ झुक कर बैठ जाना, वो बैठ जाते हैं दुबक कर बैठना। कौन वो लेडी, वो औरत, एज यूजुअल हर रोज़ की तरह, मतलब हर रोज़ का काम था, हर रोज़ उसको गालियाँ सुननी थी, तो हर रोज़ की तरह वो दुबक कर बैठ जाती है, हर रोज़ की तरह ऑन द फ्लोर फर्श पर बिसाइड द स्टोव, स्टोव के साइड में बैठ जाती है क्योंकि वो कुकिंग कर रही थी। व्हेन द मैन कम, जब आदमी आता है, जब आदमी, आदमी का मतलब कौन, जो उस औरत है जो उसका हस्बैंड आता है, कम होम, तो वो घर आते, शी डिड नॉट लुक इन टू हिज फेस, वो उसके फेस की तरफ भी नहीं दिखती, वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ भी नहीं दिखती, मतलब कि जो झगड़ा हुआ है उन चीज़ों को बताने के लिए कुछ किसी भी तरह वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ नहीं देखती। नॉट राइज हर हैड, और अपने जो हैड था, जो उसका जो सिर है उसको भी नहीं उठाती, बट बैंड हर बैक ए लिटल मोर, और अपनी जो और ये मतलब कि ज़्यादा झुक जाती है, ऐसा क्यों कहा है पोइटेस्ट ने। तब उसका हस्बैंड आता है तो उसे उठना चाहिए ऐसा, मतलब लेकिन उठी नहीं, क्यों, क्योंकि उसे कोई आशा नहीं है कि उसे न्याय मिलेगा, या फिर उसका जो हस्बैंड है उसके साइड में बोलेगा, या फिर ये बोलेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, इसलिए उसको कोई ऐसी होप नहीं है कि वो उसकी साइड लेगा या फिर उसके जस्टिस दिलाएगा, उसको न्याय दिलाएगा, इसलिए जो पोइटेस्ट है उन्होंने ऐसा बोला है। मैन द मैन कम होम, जब आदमी घर आया, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो घर आया, शी डोंट लुक इन टू हिज फेस, वो उसके फेस की तरफ भी नहीं देखती, क्यों नहीं देखती, क्योंकि उसको कोई आशा नहीं है, शी हैज नो होप ऑफ एनी सपोर्ट, उसके पास कोई आशा नहीं है कि वो उसको सपोर्ट करेगा। शी डिड नॉट राइट हर हेड, उसने अपने सिर तक को नहीं उठाया, बट बेंड हर बैक ए लिटिल मोर, और अपनी जो कमर है उसको और भी झुकाया, मतलब कि और भी झुक कर बैठ गई। नथिंग गिव हर राइट टू स्पीक, और उसके पास कोई हक नहीं है, फिर कोई कोई अधिकार नहीं है उसके पास बोलने का उस अनजस्टिस के खिलाफ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में जरूर समझ आई होगी, तो चलिए इसको इंग्लिश में भी कर लेते हैं। शी क्रॉज एज यूजल ऑन द फ्लोर, यूजल मतलब कि हर रोज की तरह वो दुबक कर बैठ जाती है स्टोव के पास। शी इज सिटिंग क्रॉज ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव, जस्ट देन हर